हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, जिस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं राहुल किला का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जो कि बांडा मुंडा में है। तो चलिए आप लोगों को पूरा रेलवे वर्कशॉप दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फाइनली रेलवे वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। यही रास्ते जो होके आप लोगों को रेलवे वर्कशॉप तक जाना पड़ेगा और हम अब चलते हैं रेलवे वर्कशॉप के अंदर और फिर हम आप लोगों को पूरा वर्कशॉप दिखाते हैं। हालांकि सभी जगह का वीडियो बनाने का परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हमसे संभव होगा सभी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं अंदर। गाइस, तो देख सकते हैं इस साइड जो इंजन है वो रिजेक्टेड इंजन है और उस साइड जो ठीक हो चुका है वो है। तो अभी हम रिजेक्टेड इंजन के पास जाएंगे और उसके अंदर अंदर भी जाके दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस, तो आप लोगों को बता दें कि सभी इंजन को डीजल इंजन से चेंज करके इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ये सभी इंजन यहाँ पे लगा हुआ है और सभी का पार्ट पुर्जा खुल के चेंज हो रहा है। इस साइड है डीजल इंजन जिससे पार्ट खुल रहा है और उस साइड है इलेक्ट्रिक इंजन जहाँ पे बन रहा है। तो दोनों जगह पे हम जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं दूर दूर तक आप लोगों को सिर्फ इंजन ही दिखाई देगा और ये जितना भी इंजन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सब डीजल इंजन है जो कि पुराने जमाने से चल रहा है। पहले नीचे चलते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हम आप लोगों को नीचे जाके दिखाते हैं कि इंजन के नीचे देखिए किस तरह से होता है। ये अभी हम इंजन के नीचे आ चुके हैं, जिस तरह का सीन होता है इंजन के अंदर में ऐसा होता है। अब उसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने वाला, इससे हमारा हेल्प करने के लिए एक रेलवे का स्टाफ है हमारे साथ। तो सर बताइए, ये देख सकते हैं गाइस, यहीं पे ड्राइवर साहब बैठते हैं। नरे लड़का, ड्राइवर साहब यहीं बैठते हैं ना। अच्छा, ये ब्रेक है। हाँ, ये ब्रेक है और ट्रैक चेंज करने का ये दोनों। अच्छा, ट्रैक चेंज करने के लिए ये दोनों को यूज किया जाता है। और हॉर्न कहाँ है? सबसे जरूरी चीज तो वही है, अंदर घुसना की बाहर निकल से स्टार्ट होता है गाइस। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, हॉर्न, देख सकते हैं गाइस यही हॉर्न है दो जो कि आप लोगों को इतना जोर से जो सुनाई देता होगा हॉर्न का आवाज यही है। पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को दिखाते हैं अंदर लगा क्या क्या। अभी हम इंजन के सामने में ये दोनों लाइट इंजन का और ऊपर हॉर्न देख सकते हैं, यही हॉर्न का आवाज जो कि आप लोगों को इतना जोर से सुनाई देता होगा। और ये इंजन के अंदर में देख सकते हैं दो ड्राइवर बैठने के लिए सीट बनाया जाता है जो कि देख सकते हैं एक ड्राइवर साहब इस साइड बैठते हैं और इस साइड, दोनों के साइड उतना ही चीज लगा हुआ है। और ये है मेन गेट, अंदर का गेट, और ये है मेन गेट जो कि बाहर से भी लॉक कर दिया है। अभी हम अंदर में ही बचे हुए, निकलते हैं तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जितना भी इंजन आप लोगों को दिख रहा है ये सभी से पार्ट को खोला जा रहा है, जो जरूरतमंद पार्ट है वो इलेक्ट्रिक इंजन जो बन रहा है नया उसमें लगाया जाएगा। यानी कि अब जो इंजन बन रहा है वो सभी बिजली सप्लाई के द्वारा चलेगा।
बाकी गाइस वर्कशॉप के अंदर काम चल रहा है, इसी वजह से हम अंदर में उतना अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे संभव होगा हम सभी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से इंजन का काम होता है। इंजन में इतना सारा मोटर लगता है, सबसे मेन मोटर कौन सा? सिर्फ इसके बारे में ये है गाइस, स्टार्टअप मोटर। इसी मोटर से इंजन स्टार्ट होता है और कई प्रकार का यहाँ पे होता है। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग होता है, यहाँ पे कई प्रकार का मोटर है, लेकिन मेन मोटर हम आप लोगों को दिखा दिए हैं, वही है जो वही है मेन मोटर। और इधर भी देख सकते हैं कई प्रकार का यहाँ पर मोटर है, और यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का अटेंडेंस बन रहा है, ये सब भी मोटर ही है। गाइस तो रेलवे वर्कशॉप के अंदर इस साइड इलेक्ट्रिक इंजन का काम होता है और इस साइड डीजल इंजन का काम होता है, और इस साइड देख सकते हैं बैटरी रूम है, यहाँ पे सिर्फ बैटरी रखा जाता है, और इस साइड पार्किंग एरिया। अच्छा, जितना भी रिजेक्टेड सामान होता है गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे रिजेक्टेड सामान का रूम बना हुआ है, जितना भी रिजेक्टेड सामान है उसमें रखा जाता है। गाइस तो जितना हमसे संभव था सभी कुछ हम आप लोगों को दिखा दिए हैं, सो वीडियो को यहीं पर एंड करता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, अभी के लिए बाबा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।